हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज ए वेक्टर बेस्ड ऑन फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिड यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्लोनिंग इन इकोलाई। जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्रोमोसोम है, एक वेक्टर है जो कि बेस्ड होता है फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिड के ऊपर, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ क्लोनिंग इन इकोलाई। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोनिंग मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लोनिंग वेक्टर वर डेवलप्ड बाय मेल सिमोन एंड हिज कलीग्स इन 1992। जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लोनिंग वेक्टर है वो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? मेल सिमोन और उनके कलीग्स ने 1992 में डिस्कवर किया था। एफ प्लाज्मिड प्ले ए क्रूशियल रोल एज दे कंटेन पार्टीशन जीन्स दैट प्रमोट दैट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड आफ्टर बैक्टीरियल सेल डिविजन। जो एफ प्लाज्मिड है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है एज दे कंटेन पार्टीशन जीन्स दे दैट प्रमोट दैट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड आफ्टर बैक्टीरियल सेल डिविजन। ये चीज़ हमने अभी ऊपर देखी, जो मेल सिमोन थे उन्होंने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को सबसे पहले डेवलप किया था। इसका जो साइज़ है 50 to 350 किलोबेस पेयर डीएनए साइज कैन बी क्लोन्ड इन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर आर मेंटेन इन इकोलाई एज लार्ज सिंगल कॉपी प्लाज्मिड। जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है वो मेंटेन करके रखते हैं इन इकोलाई एज लार्ज सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर कंटेन फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स जैसे कि आर ई पी ई फॉर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉपी नंबर। हम कौन से कॉम्पोनेंट को रखते हैं? आर ई पी ई को रखते हैं। पार ए पार बी फॉर पार्शनिंग एफ प्लाज्मिड डीएनए टू डॉटर सेल ड्यूरिंग डिविजन एंड इंश्योर स्टेबल मेंटेनेंस ऑफ द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ए सेलेक्टेबल मार्कर फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऑल्सो हैव लैक जर्ड एट क्लोनिंग साइट्स फॉर ब्लू वाइट सिलेक्शन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए है, कुछ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं वो किसको रखते हैं? लैक जर्ड जीन को रखते हैं क्लोनिंग साइट्स पे। किसके लिए? ब्लू वाइट सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है T7SP6 फास्ट प्रमोटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसर्टेड जीन्स। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर ऑफन यूज टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर सीक्वेंस द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जीनोम प्रोजेक्ट। ए शॉर्ट पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए इज एम्प्लीफाइड एज एन इंसर्ट इन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड देन सीक्वेंस। जो शॉर्ट पीस है ऑर्गेनिज्म डीएनए को, उसको हम क्या कर लेते हैं? एम्प्लीफाइड कर देते हैं एज एन इंसर्ट इन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और उसको बाद में क्या कर लेते हैं? सीक्वेंस कर लेते हैं। नाउ बीइंग यूज्ड फॉर मॉडलिंग जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज की मॉडलिंग के लिए भी हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज़ करते हैं। द इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी ऑफ दीज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैज़ मेड स्टडी ऑफ मैनी वायरसेस सच एज हर्पस वायरस पोक्स वायरस मोरिजी। जो इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज़ हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की, इससे हम क्या कर सकते हैं? जो हर्पस वायरस हैं पोक्स वायरस हैं उनकी जो स्टडी है वो क्या हो गई? ईजी हो गई। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्टर वैक्टर्स पर्पज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर नेचर ऑफ होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म। पर्पज ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर इंजीनियरिंग के बेसिस पे एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर दो टाइप से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म, इसके बेसिस पे वेक्टर फॉर बैक्टीरिया फॉर यीस्ट फॉर एनिमल एंड फॉर प्लांट। ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर नेचर ऑफ होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे होते हैं प्रोकैरियोटिक वेक्टर और यूकैरियोटिक वेक्टर। प्रोकैरियोटिक वेक्टर के अंदर आता है बैक्टीरियल वेक्टर और यूकैरियोटिक के अंदर आता है यीस्ट एनिमल और प्लांट वेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोलाई वेक्टर बेस्ड ऑन वायरल डीएनए। वायरल वेक्टर्स इन विच द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीनोम ऑफ ए वायरस। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कहाँ पे? वायरस के जीनोम के अंदर।
वायरस इन्फेक्ट सेल्स बैक्टीरिया आर हाईली एफिशिएंसी जो विद हाई एफिशिएंसी जो वायरस इन्फेक्ट सेल्स हैं, मतलब वायरस इन्फेक्ट सेल्स कौन सी होंगी, बैक्टीरिया की होंगी, तो उनके अंदर एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लोन जीन्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट स्लाइट हायर फ्रीक्वेंसी देन बाय सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्लोन जीन्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेल के अंदर एट स्लाइट हायर फ्रीक्वेंसी देन बाय सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कॉमन वायरल क्लोनिंग वेक्टर। जो कॉमन वायरल क्लोनिंग वेक्टर हैं वो है लैम्डा फाज और M13 फाज। सबसे पहले हम देखते हैं लैम्डा फाज। लैम्डा फाज इज ए बैक्टीरियोफाज दैट इन्फेक्ट इकोलाई एंड हैज बीन वाइडली यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। जो लैम्डा फाज है वो एक बैक्टीरियोफाज है जो कि इन्फेक्ट करता है इकोलाई को और वाइडली यूज करते हैं इसको हम क्लोनिंग वेक्टर के जैसे। रेप्लिकेट करता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच इज 485 किलो बेस पेयर इन लेंथ एंड कंटेन अबाउट 46 जीन्स। इसके पास क्या होता है, लीनियर सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये लीनियर होता है और 485 किलो बेस पेयर इसकी मतलब लेंथ में होता है और 46 जीन्स को कंटेन करके रखता है। एट ईदर एंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कोस एंड आर प्रेजेंट दैट अलाउ लीनियर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल टू circularize and act as recognition sequence for packing DNA into mature phase during lytic cycle। अब यहाँ पे क्या होता है, दो sites हैं वहाँ पे क्या होते हैं, cos ends present होते हैं जो कि क्या करते हैं, allow करते हैं linear double stranded DNA को circularize करने में। मतलब ये क्या करते हैं वहाँ पे, जो linear DNA है उसको circular के अंदर convert कर देते हैं। एंड एक्ट एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर पैकिंग डीएनए इनटू मैच्योर फाज ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल। और ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस के जैसे फॉर पैकिंग डीएनए इनटू मैच्योर फाज। जो मैच्योर फाज है उसके अंदर क्या करते हैं, ड्यूरिंग द लाइटिक साइकिल ये क्या करते हैं, डीएनए को पैक कर देते हैं। जो कोस साइट्स हैं वो 12 बेस पेयर सिंगल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं। ओनली 37 to 52 किलो बेस पेयर डीएनए कैन बी स्टेबली पैक्ड इनटू लैम्डा फाज। जो 37 से लेके 52 किलो बेस पेयर तक डीएनए है वो स्टेबली क्या हो सकता है, पैक्ड हो सकता है लैम्डा फाज के अंदर। दस स्मॉल डीएनए इंसर्ट कैन बी इंसर्टेड इनटू लैम्डा जीनोम विदाउट प्रिवेंटिंग पैकेजिंग। टू डेवलप ए क्लोनिंग वैक्टर द नॉन एसेंशियल रीजन्स ऑफ अबाउट 15 KB इज फर्स्ट रिमूव एंड द रिप्लेस्ड विद ए लार्ज डीएनए इंसर्ट। क्लोनिंग वेक्टर को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नॉन एसेंशियल रीजन है 15 KB तक उसको हम पहले क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं लार्ज डीएनए इंसर्ट से। अब हम देखते हैं नॉन एसेंशियल रीजन ऑफ लैम्डा जीनोम हैज़ जीन्स फॉर इंटीग्रेशन एंड रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल। इसके पास क्या होते हैं, इंटीग्रेशन और रिकम्बिनेशन के लिए क्या होते हैं, सॉरी जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फॉर द इंटीग्रेशन एंड रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल। ए क्लोनिंग वेक्टर कैन नॉट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट क्रोमोसोम एंड कैन फॉलो ओनली लाइटिक साइकिल। जो क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या नहीं कर सकता, इंटीग्रेट नहीं कर सकता होस्ट क्रोमोसोम के साथ और वो सिर्फ किसको फॉलो करता है, लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है। टू बेसिक टाइप ऑफ लैम्डा वेक्टर्स, इंसर्शन लैम्डा वेक्टर और रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन लैम्डा वेक्टर। इंसर्शन वैल्यूज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोनिंग वैक्टर। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है क्लोनिंग वैक्टर की। इन दीज वैक्टर ए लार्ज सेगमेंट ऑफ नॉन एसेंशियल रीजन ऑफ जीनोम हैज बीन डिलेटेड एंड द टू फ्रेगमेंट्स लाइगेटेड टुगेदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैक्टर के अंदर जो लार्ज सेगमेंट है नॉन एसेंशियल रीजन ऑफ जीनोम की उसको हम डिलीट कर देते हैं और जो दो फ्रेगमेंट है उनको हम क्या कर देते हैं, एक साथ लाइगेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉन एसेंशियल रीजन है और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, इस पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा इंसर्शन वेक्टर। इट हैज एटलीस्ट वन यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट इनटू विच नो डीएनए कैन बी इंसर्टेड। इसके पास एटलीस्ट एक यूनिक साइट होती है, एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पे हम नए डीएनए को इंसर्ट करते हैं। द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट रेंजेस बिटवीन 8 to 12 KB
डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच नॉन एसेंशियल रीजन हैज बीन डिलीटेड। जो डीएनए फ्रेगमेंट का जो साइज है वो कितना होता है, 8 से 12 किलो बेस पेयर तक होता है। इसका एग्जाम्पल है लैम्डा GT10, इट कैरी अप टू 8 किलो बेस पेयर ऑफ नो डीएनए इंसर्टेड इनटू ए यूनिक इको आर्बन साइट लोकेटेड इन द C1 जीन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लैम्डा GT10 है ये क्या करती है, 8 किलो बेस पेयर तक नए डीएनए को इंसर्ट कर सकती है इको आर्बन की साइट पे, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, C1 जीन के पास लोकेटेड है। C1 जीन के पास लोकेटेड है। इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ C1 जीन मीन्स रिकम्बिनेंट शो क्लियर प्लेक्स व्हाइल नॉन रिकम्बिनेंट शो टर्बिड प्लेक्स। अब क्या होता है, जो इंसर्शन है वो इनएक्टिवेशन ऑफ C1 जीन मीन रिकम्बिनेंट शो क्लियर प्लेक्स, ये क्या करते हैं, क्लियर प्लेक्स की क्या करते हैं, शो करते हैं, व्हाइल नॉन रिकम्बिनेंट शो टर्बिड प्लेक्स। अब क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट दो टाइप के होते हैं। रिकम्बिनेंट के लिए अंदर तो हमें क्लियर प्लेक्स दिखते हैं और नॉन रिकम्बिनेंट के लिए पास हमें टर्बिड प्लेक्स दिखते हैं। ये क्या है, C1 जीन है, यहाँ पे इको आर1 की साइट प्रेजेंट है और यहाँ पे जो लैम्डा GT10 है वहाँ से क्या होगा, जो नया डीएनए है उसको हम इंसर्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं लैम्डा रिप्लेसमेंट वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर हैज ए लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 10 to 20 किलो बेस पेयर डीएनए इंसर्ट। इसके पास कितनी कैपेसिटी होती है, 10 से 20 किलो बेस पेयर डीएनए इंसर्ट की कैपेसिटी होती है। लैम्डा रिप्लेसमेंट वेक्टर हैज टू रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर ए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके पास दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। दिस साइट फ्लैंक ए सेगमेंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए कॉल्ड स्टफर फ्रेगमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टफर फ्रेगमेंट बोलते हैं। दिस स्टफर फ्रेगमेंट इज डिलीटेड एंड रिप्लेस्ड बाई फॉरन डीएनए। जो स्टफर फ्रेगमेंट है वो उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट और रिप्लेस कर देते हैं बाय द फॉरन डीएनए। लैम्डा रिप्लेसमेंट फैक्टर कैरीज एडिशनल रेस्ट्रिक्शन साइट इन स्टफर फ्रेगमेंट डेट कैन बी यूज टू कट इट अप इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इसके पास क्या होती हैं, एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, इसको कट करने में हेल्प करती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर। शो डेट इट आवन री इंसर्शन इज वेरी अनलाइकली। रिप्लेसमेंट वेक्टर आज डिजाइन टू कैरी लार्ज डीएनए देन इंसर्शन वेक्टर कैन हैंडल। रिकम्बिनेंट सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पैकेजिंग इनटू फाज हेड। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है लैम्डा EMBL4 कैरी अप टू 20 किलो बेस पेयर ऑफ इंसर्टेड डीएनए बाय रिप्लेसिंग ए सेगमेंट फ्लैंक बाय पेयर ऑफ इको आर1 BAM-H1 और SAL-1 साइज। एनी ऑफ दीज थ्री रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी यूज टू रिमूव द स्टेबल फ्रेगमेंट सो डीएनए फ्रेगमेंट विद ए वेराइटी ऑफ स्टिकी एंड्स कैन बी क्लोन। यहाँ पे क्या है, इसके पास 20 किलो बेस पेयर तक इंसर्टेड डीएनए क्या होता है, मतलब ये कैरी करके रखता है बाय रिप्लेसिंग ए सेगमेंट फ्लैंक बाय पेयर ऑफ इको आर1 BAM-H1 SAL-1 SAL-1। इसके साथ ये क्या कर लेते हैं, इनके साथ ये पेयर कर लेते हैं। एनी ऑफ दिस थ्री रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी यूज टू रिमूव द स्टफर फ्रेगमेंट। इनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसको रिमूव करने के लिए, स्टफर फ्रेगमेंट को रिमूव करने के लिए। सो डीएनए फ्रेगमेंट विद द वेराइटी ऑफ स्टिकी एंड्स कैन बी क्लोन। रिकम्बिनेंट सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एज नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर बीइंग टू स्मॉल टू बी पैक्ड इन फाज हेड। अब क्या होता है, ये स्टफर फ्रेगमेंट है, यहाँ पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, इको आर1 BAM-H1 SAL-1 और कॉम्बिनेशंस क्या प्रेजेंट हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब क्या होता है, हम यहाँ पे नए डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो जब नए डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं तो वहाँ यहाँ पे हम क्या पे करते हैं, स्टफर फ्रेगमेंट की जगह पे करते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, लैम्डा EMBL4 का। अब हम देखते हैं इन विट्रो पैकेजिंग ऑफ लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर, लैम्डा म्यूटेंट लाइसोजाइन और लैम्डा डी म्यूटेंट लाइसोजाइन। यहाँ पे हमने क्या की, लाइसिस को इंड्यूस किया, टेल असेंबली प्रोटीन प्रोटीन डी लैक ऑफ प्रोटीन ई। यहाँ पे क्या होगा, जो टेल असेंबली प्रोटीन प्रोटीन ई लैक ऑफ प्रोटीन डी, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया,
क्लोन डीएनए बना उसकी हमने क्या करी, सक्सेसफुली पैकेजिंग करवा दी कहाँ पे, बैक्टीरियोफेज के हेड में। अब क्या हुआ, ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा होस्ट है और ये हमारा इंसर्ट साइज है। जो M13 है उसकी होस्ट होगी इकोलाई और साइज होगा 1 to 5 kilo बेस पेयर पर। प्लाज्मिड के लिए होस्ट इकोलाई 1 to 5 kb तक इंसर्ट साइज होगा और जो लैम्डा फाज है उसके भी होस्ट कौन होगा, इकोलाई होगी, इंसर्ट साइज 5 to 25 kilo बेस पेयर तक होता है। कोस्मिड और फोस्मिड के लिए इकोलाई होस्ट होता है और 35 to 45 kilo बेस पेयर तक इंसर्ट साइज होता है। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए जो होस्ट है वो है इकोलाई और इसका जो साइज़ है वो 40 to 300 kilo बेस पेयर तक होता है। फाजमीड्स के लिए होस्ट है इकोलाई और इसका जो इंसर्ट साइज़ है वो है 100 to 300 kilo बेस पेयर। बैक्टीरियोफाज के लिए जो होस्ट है वो है इकोलाई और इसका साइज़ है इंसर्ट साइज़ 80 to 100 kilo बेस पेयर। YEC मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, होस्ट इसका यीस्ट है और इंसर्ट साइज़ है 100 to 2000। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए कल्चर ह्यूमन सेल्स क्या होती हैं, होस्ट सेल्स होती हैं और मोर देन 2000 इसका क्या होता है, इंसर्ट साइज होता है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।